जल्दी से जीनी की जगह ले लो ज्वाला, आप उसके कपड़ों में भी आओ और मुझे यहाँ से भगाओ। रिहर्सल से ये कौन सी लीला में आ गई? अरे आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो मैं रामलीला की रिहर्सल कर रही थी, मैं ट्रोल कर रही हूँ। बस बहुत हो चुका, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। है बेवकूफ? मैंने कब आपको बेवकूफ बनाया? क्या सोचकर तुमने यहाँ का नियम तोड़ा? कि सरदार खुश होगा, सब आसी देगा। ये डायलॉग मारने वाले थे ना, मुझे पता है, ये तो गब्बर ने बोला था शोले में। हाय जीनी, तेरे सीता मैया का रोल इतना पॉपुलर हो गया कि ये लोग तुझे यहाँ पे लेकर आए शोले शोले खेलने। क्या बोल रही हो तुम? देखो मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे साथ शोले शोले का नाटक खेलना चाहते हो, ठीक है, तो मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। मैं ना बहुत वर्सेटाइल हूँ, गब्बर से लेके बसंती तक मैं सारे रोल कर सकती हूँ, और पता है शोले मैंने 10 बार देखी है, 10 बार। बकवास बंद करो और बताओ वो आईना कहाँ है? आईना? आईना मतलब कि शीशा? हाँ शीशा हो या दिल हो। तुम इस तरह मुझे गुमराह नहीं कर सकती, तुम्हारी आदतें इस तरह नहीं सुधरने वाली। जब मैं तुम्हें 100-200 साल और इस कैद खाने में रखूंगा तब जाके तुम्हारी आदतें सुधरेगी। कैद खाना? कहाँ है कैद खाना? कहाँ है? अब तुम कहोगे कि ये जिन जेलर कौन है? कौन है? जिन जेलर? आप कहे तो इसे जिन जेल मास्क पहना दूं ताकि कोई जादू ना कर सके। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इसे उस कैद खाने में रखेंगे जहाँ की दीवारें ही ऐसी होगी जहाँ इसका कोई जादू नहीं चलेगा। ले जाओ इसे। कैद खाना? अरे रुको, ये आप क्या कह रहे हो? देखो आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं कैद खाने में क्यों जाऊंगी? मैं जीनी हूँ, जीनी जिनलैंड में रहती हूँ। ले जाओ इसे। अरे मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, वहाँ पे रिहर्सल में मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। देखो ये जो सीन है इसको हम एक बार फिर रिहर्सल करबो, ठीक है? तो आप इधर आ जाइए बिल्ला जी। ये जो अभी जो सीन किए ना लक्ष्मण रेखा वाला तुमने। अच्छा किया ना मैंने? ना ना ठीक था, इसलिए इसको एक बार फिर से करेंगे, ठीक है? अरे लेकिन क्यों? डायरेक्टर के तो हमने कहा ठीक माने ठीक। विक्की बाबू जी आप इधर आ जाइए, श्री राम जी की जगह खड़ा हो जाइए जी, और ये रिहर्सल शुरू करते हैं, ठीक है जी? तो जिन्ना। अच्छा क्या करने को बोल रहा है ये कद्दू जैसा इंसान मुझे? हाँ की होलो, अरे इतना साइलेंटली क्यों खड़ा है? अभी तो तोता की तरह फटाफट लाइन बोल छिले। ठीक है कोई बात नहीं, आई एम अ जनरस डायरेक्टर, एक बार फिर से समझाते हैं। क्या है कि तुमने सोने का हीरोन देखा, तुमको पसंद आया, आपने श्री राम से बोला मुझे ये हिरन चाहिए। अच्छा श्री राम जी हटो, की
बोल चुटा की। अरे सीता मैया श्री राम को स्वामी बोलते थे, क्या हो क्या गया है तुमको? अभी तो सारा लाइन ठीक ठाक बोल रहे थे मेरे। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप कदापि क्रोधित ना होए। क्या ना होए? क्रोधित? वो क्या है? Don't get angry. अच्छा, हाँ, ठीक है। हम इन्हें समझाते हैं। समझाओ। जी। क्या हो गया जीने तुम? अरे तुम्हें ये लाइन बोल लिए। स्वामी, हमने आज तक ऐसा स्वर्ण हिरण नहीं देखा है। आप इसे हमारे लिए लेकर आइए। स्वामी, हमने आज तक ऐसा स्वर्ण हिरण नहीं देखा। आप इसे हमारे लिए लेकर आइए। अवश्य सीते, अवश्य। हे लक्ष्मण। जी भ्राता श्री। हम अभी जाकर वो स्वर्ण हिरण पकड़ कर लाते हैं। तब तक आप अपनी सीता मैया का ध्यान रखना। अवश्य भ्राता श्री। श्री राम जी का एक्सेंट। आप तुम दोनों अपना डायलॉग बोलो। माते, क्या बोलू? What nonsense, मने की हो चटके हटो। तुम्हें हो क्या गया? हाय, अभी तो तोते की तरह तापोड़ तापोड़ सारा लाइन बोल रहा था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत मारे तुम्हारा। अरे ब्रेक क्यों? मेरी लाइनें ये तैयार हैं, मेरी सुन लीजिए ना। आई एम रेडी, फीलिंग के साथ। डायरेक्टर कौन है? आप तो पड़े माने पड़े। क्या है, एक्टर की इज्जत ही नहीं है? हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है यार, चुप कर। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो हाँ जीनू, तुझे क्या हो गया? तू अपनी लाइंस कैसे भूल रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और वो कला बन पाए? दीदू, वो मैंने निकाल दिया, वापस जिनलैंड भेज दिया। अकेले? पर तुझसे तो वो निकल नहीं रहा था ना? और तू क्या कह रही थी कि मैंने तुझे पहनने के लिए दिया? मैंने कब दिया? दीदू, वो देखो ना, मुझे लाइन्स ही याद नहीं है। मैं जाके रिहर्सल करती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, कुछ याद ही नहीं है। जिनी, ओ जिनी, ओ जिनी, ओ जिनी। जूजू। हाँ जिनी, थैंक यू जिनी। क्यों? बस ऐसे ही मन किया थैंक यू कहने के लिए। और क्या है ना जिनी, जब से तुम इस घर में आई हो, मेरी लाइफ में आई हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे प्रिया के साथ डिनर पे जाने का मौका दिया। डिनर पे जाने का मौका दिया, इट्स ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वहां आकर तुमने कोई धमाल नहीं किया, कोई मस्ती नहीं की, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसके लिए डबल थैंक यू, थैंक यू। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये आज सूरज किस दिशा से निकला है? आज तक तो इसके रिएक्शन कुछ इस तरह से होते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ जीनी, मैं देख रहा हूँ कि सीता मैया का रोल करते करते तुम में काफी बदलाव आया है। चेंज, चेंज मस्ट, यू नो। छुटकी? हेलो, कहाँ हो गई हो तुम? तुम्हारी दीदी बुला रही है। दीदू, आप मुझे बुला रही हो? ऑफ कोर्स, छुटकी मैं तुझे ही बुलाती हूँ ना, और किसे बुलाऊंगी? तू कहाँ खोई हुई है? दीदू,
जूजू वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ रिहर्सल करके, तो मैं सोने जा रही हूँ। ओके जीनू। जीनू गुड नाइट। ज्वाला ये तू क्या कर रही है, मत भूल कि इस वक्त तू जीनी है। अरे मेरी प्यारी ज्वाला, बताओ बताओ कैसा रहा आज का दिन। मैं ये जानने के लिए कब से रहा हूँ घड़ियां गिन। अभी तक तो सब ठीक रहा मेरे शैताने आईने, पर मुझे डर है कि आगे समस्या का तूफान आ सकता है, हमारी योजना की धज्जियां उड़ सकती है। क्योंकि मैं जीनी को करीब से नहीं जानती, इसीलिए पकड़ी जा सकती हूँ। अरे जिसके पास हो मेरे जैसा कलाबाज साथी, उसे इतनी चिंता क्यों है सताती। अब देखना कल सुबह तक मैं तुम्हें एकदम पारंगत कर दूंगा, जीनी की एक एक अदा तुम्हारे अंदर भर दूंगा, फिर कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तुम जीनी नहीं हो ये जान नहीं पाएगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सीता, ये गीता कुछ अजीब रिएक्ट नहीं करी। गीता जीनी सोचने वाली बात है, आज जब मैं प्रिया के साथ डिनर पर गया तो उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं की। हाँ, ना ही उसने कहा तीखी मिर्ची स्वीटी पाई, और तो और आज रिहर्सल्स पे वो सारी लाइंस भी भूल रही थी, जबकि उसे सारे लाइंस अच्छी तरह से याद थे स्टेज ना। हाँ विकी, तुमने रियलाइज किया जब मैंने उसे छुटकी बुलाया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने उसे पहली बार छुटकी बुलाया हो, और वो कलाबंद के बारे में भी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कलाबंद? ब्रेसलेट उसने अपनी कलाई पे बांधा हुआ था। जीनू ने मुझसे कहा कि उसने जिनलैंड से मंगवाया है, पर जब मैंने जिन बे पर चेक किया तो वहां पर उस ब्रेसलेट का तो जिक्र भी नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है विकी। क्या गड़बड़ है? पता नहीं पर कुछ गड़बड़ तो है। ओ हेलो, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा सीता कि हम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे? व्हाट इज दिस, चिल रिलैक्स। I think she is stressed and she needs rest. आज वो आराम से सो जाएगी, सुबह फ्रेश हो जाएगी, फिर हम अपनी चुलबुली जीनी वापस मिल जाएगी। हाँ देखो मैं भी काफी थका हुआ हूँ, तुम भी काफी थकी हो। हाँ सो जाओ, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय। मैं तब तक चैन से नहीं सो सकती जब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं हो जाती। मैं अभी जाकर जीनू से बात करती हूँ। हाँ इस वक्त कौन आ गया? हेलो जी। बेला? बेला तुम? या? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देखने का मन किया, तुमसे मिलने का मन किया तो बावला चला आया। बेला प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओहो नींद में भी तो सपने में तुम मुझे ही देखोगी ना, तो जब दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है तो हकीकत में उससे मिलो ना, एकदम रूबरू। वेला या? तुमसे किसने कह दिया कि मैं सपनों में तुम्हें देखूंगी? अरे कहने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि तुम्हारे सपनों में किसी भी और के आने की नो एंट्री है। वेला या? अपने घर जाओ और वहां पर सो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं सोऊंगा। वेला तुम यहाँ नहीं सो सकते? अरे क्यों नहीं सो सकता, ये मेरे उस दोस्त का घर है जो प्यार से मुझे गधा बुलाता है। ये मेरे उस दोस्त का घर है जिसके साथ बचपन में मैंने लंगोट शेयर किया है, तो क्या मैं अपने लंगोटिया यार के घर नहीं सो सकता? ऐसा हो नहीं सकता। और सुनो,
सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो सबसे पहले मैं नींबू पानी पीता हूँ विद सम लिटिल प्योर हनी, कॉटेज हनी। उसके बाद बेटी और नाश्ते में अ फ्यू आलू पराठास विद लॉट ऑफ डाइट बटर स्विमिंग ऑन इट। वेला या तुम्हें सोना है ना? मैं सुलाती हूँ। सुलाओ ना। अभी सुलाती हूँ। हाँ चलो, इससे तो छुटकारा मिला, अब जाके जीनू से मिलती हूँ। जीनू, जीनू, ये जीनू कहाँ चली गई? मुझे तो बोल रही थी कि बहुत नींद आ रही है, वो तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है। अगर वो गई तो गई कहाँ? जिनलैंड के कैद खाने में मैं क्या कर रही हूँ? मेरा कसूर क्या है? यहाँ पे मैं कैसे पहुंची? याद आया, यहाँ पहुंचने के पहले मेरे हाथ का एक कलाबंद चमक रहा था और दीदू ने मुझसे कहा था कि ये एक जादुई कलाबंद है। समझ गई, ये कारस्तानी जादुई कलाबंद की है। पर दीदू ने तो मुझसे कहा था कि ये मेरे लिए लकी है, और अगर लकी है तो मैं इस कैद खाने में क्या कर रही हूँ? आखिर दीदू ने ये कलाबंद मुझे बनाया ही क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो जिन जेलर मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। कैसे निकलू मैं यहाँ से बाहर? तू और जूजू को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे इतनी दूर जिन लैंड के कैद खाने में कैद हूँ? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीनू का जी फोन लग क्यों नहीं रहा है? अब क्या करूं? हो ना हो, उस कलाबंद का इस सबसे लेना देना जरूर है। एक काम करती हूं, मैं उस कलाबंद की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाती हूं। हाँ, परफेक्ट। अब मैं खबरी जिनको बुलाती हूं। क्या हुआ जिया, जो तुमने चाहा वो किया कि नहीं किया? खबरी जिन, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। इस कलाबंद को देखो, ध्यान से देखो और बताओ, तुमने इसे कहीं भी कभी भी देखा है? हाँ, ये तो जिन लैंड के कैद खाने का कलाबंद है, जो कैदियों को तब पहनाया जाता है जब वो जमानत पे कुछ दिन के लिए कैद से रिहा होते हैं, और ये कलाबंद उन्हें अपने आप जिन लैंड के कैद खाने में पहुंचा देता है। क्या? हाँ, और इसे पहनने के लिए या उतारने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो जिन शक्तियों को एक साथ काम करना पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.